नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नहीं सुधरा पाकिस्तान सीमा चौकियों पर गोलीबारी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने मंगलवार देर रात जम्मू जिले में सीमा चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की। बीएसएफ ने भी पाक गोलीबारी का डटकर जवाब दिया। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने कल देर रात से जम्मू के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब सीमा चौकी पर छोटे हथियारों से जमकर गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि आज सुबह 7 बजे तक गोलीबारी जारी थी, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। टिकट वितरण को लेकर दिल्ली भाजपा में बवाल। दिल्ली विधानसभा में टिकट वितरण को लेकर भाजपा में जारी बवाल थमने का नाम नहीं दे रहा है। ओखला से टिकट नहीं मिलने से नाराज धीर सिंह विधोड़ी ने मंगलवार को पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी ओर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के समर्थकों ने भी पार्टी दफ्तर में जमकर हंगामा किया। समर्थक उपाध्याय को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे। हालांकि उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। सोती हुई महिला यात्री का कैब चालक ने वीडियो बनाया। हैदराबाद में कैब में सफर कर रही एक महिला यात्री को झपकी लगी और कैब चालक मौके का फायदा उठाकर उसका वीडियो बनाने लगा। तभी पुलिस टीम की नज़र कैब पर पड़ी और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त रमा राजेश्वरी आर ने बताया कि पुलिस ने उसकी कार रोकी और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। मोबाइल में महिला का 7 मिनट का वीडियो फुटेज पाया गया है।